समझने की कोशिश कर भाई मेरी बात। अबे 5 लाख रुपए हैं, अरेंज कर ले कहीं ना कहीं से। और यहाँ की करेंसी और वहां की करेंसी है, जमीन आसमान का फर्क है। 2-4 महीने में तेरे पास वापस आ जाएंगे पैसे, जेब में होंगे, आराम से अय्याशी करेगा। बात समझना यार मेरी। ये भी भूल गए कि रमशा के साथ रहने का तुम्हें कितना फायदा हो सकता है। क्या फायदा होगा समझो। याद है तुम्हें मैंने क्या कहा था? रमशा को खुश रखोगे तो जो तुम चाहोगे वो मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा। लगता है ये डील भूल गए तुम। मैं एक बार फिर तुम्हें ये ऑफर कर रहा हूं, रमशा को किसी किस्म की तकलीफ ना पहुंचाओ, उसे खुश रखो। अपना वादा पूरा करना मेरा अपना काम है। ऑफर दोबारा कर रहा हूं, सोचने का वक्त ले। मैंने कोई लतीफा नहीं सुनाया तुम। हाँ तुमने कोई लतीफा नहीं सुनाया, लेकिन एक तरह से रश्क हो रहा है तुम्हारी किस्मत। तुम जैसे घटिया और खुदगर्ज इंसान के साथ रमशा मोहब्बत कैसे कर सकती है? हेलो, मैं तुम्हारा यहाँ लेक्चर सुनने के लिए नहीं आया, समझे तुम? मुझे पैसों की जरूरत है, तुम्हें रमशा की खुशियों की। और इस वक्त हम दोनों एक दूसरे के लिए जरूरतमंद हैं, समझे? अब ये बताओ कि जो मैं बात कह रहा हूं वो मंजूर है तुम्हें कि नहीं? तुम्हें पता है अगर रमशा तुमसे मोहब्बत ना करती तो मैं आज अभी इसी वक्त तुमसे कहता कि तुम रमशा को छोड़कर हमारी जिंदगियों से कहीं दफा हो जाओ। लेकिन अफसोस, वो बेचारी एक बेबी होने का फर्ज निभा रही है। हमारे साथ खुश रहना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सकता। तुमने अपनी जिंदगी में कोई एक नेकी तो जरूर की होगी जिसका अजर तुम्हें रमशा की शक्ल में मिल रहा है। नहीं, बात पता क्या, मुझे अपनी नेकी का तो नहीं पता। किन रमशा के जो गुनाह हैं वो सारे मुझे याद है। और मैं उसके गुनाहों की सजा हूं। चेक लिखो।
तुम्हारी बीवी तुम्हारी आंखों के सामने तड़प रही है, तकलीफ में, अजियत में है, और तुम्हें उसका कोई एहसास नहीं? कैसे शौहर हो तुम? मैं तुम्हें बता चुका हूं कि ये मियां बीवी का मामला है, समझे तुम? बोलो वरना क्या करोगे तुम? क्या करोगे वरना? बोलो क्या करोगे? अफनान, अफनान प्लीज, प्लीज अफनान आप ना बोले हमारे बीच में। ये मेरा और शानी का मामला है, मामूजान आप प्लीज अफनान को यहां से ले जाए। ऐसे मैं अपना बच्चा तो खो चुकी हूँ, मैं अपने शौहर को नहीं खोना चाहती। आप प्लीज अफनान यहां से चले जाए। यानी कि मुझ नाचीज के पास उसके आंसू तुझे लेके आए। हाँ, वैसे बड़ी खुशकिस्मत है मेरी भी, मतलब उसके शौहर के अलावा किसी और को भी फिक्र है उसके आंसुओं की। सी बात नहीं है, मैं तुमसे कह रहा हूं तुम्हें गलत फहमी हो रही है। अपने दिल से शक के जहर को बाहर निकाल। तुमसे बार बार कह रहा हूं तुम्हारी बीवी होने की हैसियत से तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। मेरे और उसके दरमियान कुछ भी नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अच्छा महसूस नहीं कर रही है। मुझे डर है खुदा न खास्ता अगर इस हालत में उसको कुछ हो गया तो। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी ये हरकत उसका घर बनाने की बजाय बिगाड़ सकती है। क्या बेवकूफी की तुमने? वो तो शुक्र है कि शानी ने तुम्हें रमशा के साथ नहीं देख लिया, वरना वो तो तूफान खड़ा कर देता। मैंने तुम्हें तंबी की थी, वॉर्न किया था मैंने तुम्हें कि रमशा के मामलात से दूर रहो, मैंने कहा था ना तुमसे। एंड नाउ दिस इज द लास्ट टाइम आई एम वार्निंग यू। अब अगर आइंदा तुमने रमशा के मामले में किसी भी किस्म की इंटरफेरेंस की, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। हेलो, तुम्हारा यहां लेक्चर सुनने के लिए नहीं आया, समझे तुम? मुझे पैसों की जरूरत है, तुम्हें रमशा की खुशियों की, और इस वक्त हम दोनों एक दूसरे के लिए जरूरतमंद, समझे? तुमने अपनी जिंदगी में कोई एक नेकी तो जरूर की होगी जिसका अजर तुम्हें रमशा की शक्ल में मिल रहा। नहीं नहीं नहीं, हाथ पता है क्या, मुझे अपनी नेकी का तो नहीं पता, लेकिन रमशा के जो गुनाह हैं सारे मुझे याद हैं, और मैं उसके गुनाहों की सजा हूं। बस क्या बताऊं, शानी इतना गुस्से में, हम लोग इतना परेशान है उसकी वजह से। मैं और शानी के अब्बू ये सोच रहे थे कि हम बिला वजह उस पर जबरदस्ती ना करें, कोई और ही उल्टी सीधी बात ना हो जाए। जी ठीक कह रही हैं आप, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि आखिर रमशा हमारे घर में कब तक रह सकती है। वो हमारी नहीं बल्कि आप लोगों की जिम्मेदारी है। जी जी बिल्कुल बजा फरमाया आपने। वो कासिम भाई, बात दरअसल ये है कि मेरे पास तो हिम्मत ही नहीं है कि मैं आपका सामना कैसे करूं, बहुत ही शर्मिंदा हूं मैं आपसे।
बस आपसे एक गुजारिश है कि आप चंद दिनों के लिए रमशा को अपने पास अपने घर में रख लीजिए। मैं तब तक शानी से बात करके उसे समझा लूंगा और हम रमशा को ले आएंगे। देखिए, रमशा को उस घर में रखने में कोई कबाहत नहीं, बल्कि वो घर उसी का है, लेकिन वो खुश नहीं है वहां पे। वो बहुत बेचैनी से शानी का और आप लोगों का इंतजार कर रही है। आप ऐसा कीजिए कि आप शानी को बुलाइए, मैं बात करता हूँ उससे। और क्या, अब वैसे भी देखिए हादसे तो हर जगह ही होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई अपनी बीवी को इस तरह से लावारिस छोड़ दे। आप बुलाइए शानी को प्लीज, मैं बात कर लेता हूँ उससे। अनवर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दरअसल शानी अभी घर पे है भी नहीं, और हम आपसे वादा कर रहे हैं कि मामला थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना तो हम खुद आएंगे रमशा को लेने के लिए, हमारा वादा है ये आपसे। जी जी बिल्कुल ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो शानी? तुम्हारी और मेरी यही बात तय हुई थी कि तुम पैसे लेने के बाद रमशा को यहाँ से लेने के लिए आ जाओगे। अब तुम अपनी बात से मुकर नहीं सकते। शानी, मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हें रमशा के लिए ये सब मत लगाइए आप। देखो रमशा, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूँ, बस। खुशी के लिए? क्या आपकी नजर में खुशियां पैसों से तोली जाती हैं अफनान? आपकी नजर में खुलूस, प्यार, रिश्ते ये सब कुछ कोई मायने नहीं रखते? ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है अफनान? मेरे साथ भी तो यही किया था ना आपने। मेरा भी तो स्टेटस देखा था आपने, मेरी मोहब्बत, मेरा खुलूस। सबको आपने मेरे स्टेटस से तोला था ना? वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। जिस पर मैं आज भी पछताता हूं। खुदा के लिए अफनान, ये गलतियां करना बंद कर दें, क्योंकि गलतियां आप करते और भुगतनी मुझे पड़ती। हर कोई ऐसे मुझसे रूठ रहा है, सांस का धागा जैसे टूट रहा है। सांस का धागा जैसे टूट रहा है, बांधा था बंधन कैसा, बिखरा है जीवन कैसा, ये मिला है मुझको सिला। धोखा मुझे यार से मिला है, धोखा मुझे यार से मिला।
लड़की के साथ उसका दोस्ताना रवैया तुम कैसे बर्दाश्त कर लेते हो? तुम कब तक अरूज की ये बेजा जिदें बर्दाश्त करते रहोगे? ऐसा ना हो कि उस अरूज की फिर कोई नई जिद तुम्हारे सामने आके कड़ी हो जाए। मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट के सीसीटीवी कैमरे की एक्सेस चाहिए। एक ख्वाहिश है जो अलीज़े, क्या हुआ, तुम खाने पे क्यों नहीं आई? अलीज़े तबीयत ठीक है ना, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? अलीज़े मेरी बात का जवाब तो दो, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो? तुम्हें इससे क्या? मुझे इससे कुछ क्यों नहीं हुआ, चाहूं मैं तुम्हारा फिक्र करता हूं तुम्हारी। अफनान मेरी फिक्र करके मजीद गलती मत कर। तुम वैसे भी अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां कर चुके हो। जैसे कि मुझसे शादी करना, रमशा से शादी ना करना, तुम्हें इन सब चीजों का पछतावा है ना अफनान? इसका मतलब तुमने मेरी और रमशा की बातें सुन ली? बातें नहीं सुनी, बस वहां से गुजर रही थी तो कुछ बातें कान में जरूर पड़ गई। देखो अलीज़े, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं। रमशा मेरा पास थी और तुम मेरा प्रेजेंट हो। वो तुम्हारा पास्ट है, फिर भी तुम्हारे प्रेजेंट में क्यों नजर आता है अफनान? तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारी सोच में, तुम्हारी बातों में, इनफैक्ट इस घर में भी सिर्फ वही नजर आती है। मैं कहाँ हूँ? अलीज़े देखो, मेरी बात गौर से सुनो और उसको समझने की कोशिश करो। सब सुन चुकी हूँ और सब समझ चुकी हूँ। अब मुझे तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं है। अलीज़े बहुत अच्छा किया बेटा जो तुम रमशा को लेने आ गए, दरगुजर से काम लिया तुमने। मियां बीवी का रिश्ता बड़ा नाजुक होता है और मियां बीवी के दरमियान अगर कुछ अपकलिश और गलत फहमी हो तो सिर्फ शैतान ही खुश होता है। तुमने दरगुजर से काम लिया, तुम बैठो, मैं रमशा को बुलाता हूँ, बैठो। जी तेरा। वैसे इतना सब कुछ होने के बावजूद भी देखो ना, मैं तुम्हें वापस ले आया।
वैसे पता क्या, हर किसी को ऐसा शौहर नहीं मिलता। जो अपनी बीवी की हर गलती को नजरअंदाज कर देता है। क्या ऐसे क्या देख रही हो? अब मैं सच कह रहा हूं, और देखो ना, तुमने तो हमेशा मुझे तजलील ही किया। मुझे याद पड़ता है कि जब हमारे रिश्ते की पहली दफा बात चली थी तो क्या हुआ, तुमने साफ साफ इनकार कर दिया था, और ये बात मैं भूला नहीं। लेकिन फिर भी मरहूम बड़े अबू बड़ी अम्मी का ख्याल आया मुझे, तो मैं तुम्हें वापस ले आया। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि मेरी जगह कोई और बंदा होता ना, तो कब का तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दिया होता उसने। एहसान नहीं किया तुमने मुझ पे कोई। एहसान तो तुम्हारा तब होता जब तुम मोहब्बत और मुरव्वत के साथ मुझे यहां लेकर आते। मुझे वहां से लाने के पैसे लिए ना तुमने अफनान से। हाँ बोलो, कितने पैसे लिए अफनान से? पैसे? अनजान नहीं बनो शानी, मुझे यहां लाने के तुमने अफनान से पैसे लिए। बताओ कितने पैसे लिए? शुक्र है शानी रमशा को तो वापस लेके आया, अकल आ गई लड़के को। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि इन लोगों की जिंदगी कैसे गुजरेगी। मियां बीवी में इख्तलाफात होते हैं, पर ऐसे तो कहीं नहीं होता कि 24 घंटे लड़ते ही रहें। छोड़े ना, बस दोनों इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हारे साथ रहा जाए। अरे तुम क्या कर रही हो, फजूल में बात को बढ़ा रही हो। ससुर में बात को बढ़ा रही हूँ? हाँ शर्म आती है तुम्हें शानी? मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहने वाली, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बेगैरत और जलील नहीं हूँ। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मेरा मान तोड़ा है, तो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती। अच्छा मेरी बात तो सुनो। ये शोर कैसे, रमशा की आवाज है? आते ही अपने खावन से लड़ रही हो। अल्लाह का शुक्र अदा करे शानी उसको ले आया। और आते ही लड़ाई झगड़ा शुरू। अरे पता नहीं क्या बात है, आप झगड़ा बोल रहे हैं। कुछ समझाओ अपनी बहू को। उसको कोई अकल दो, उसे कहो कि हर वक्त अपने खावन से लड़ना कोई अच्छी बात नहीं है। अरे आप तो चुप करें ना, चले देखते हैं हुआ क्या है। आइए कह दिया ना कि नहीं रहना तो नहीं रहना। अच्छा तुम बात तो फजूल में बढ़ा रही हो, वापस रखो बैग को, अंदर जा। क्या शोर कर रहे हो तुम लोग आधी रात को? अब तुम क्या करती फिर रही हो? तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए, तुम्हारी गलती के बावजूद तुम्हारा शौहर तुम्हें घर लेके आया। और तुम ऊपर से लड़ रही हो, बहुत बड़ी नाशुक्री औरत हो तुम।
अच्छा, मैंने लड़ाई झगड़ा शुरू किए? पूछे अपने बेटे से कि क्यों लेकर आया ये मुझे। पूछे ऐसे कि क्या वजह थी मुझे यहां लाने के लिए, कौन सी मोहब्बत थी? बोलो शानी, बता रहे हो या फिर मैं बताऊं? बोलो। तुम्हारे आगे हाथ जोड़। तुम कमरे में जाओ, हम बात करते हैं ना इस पे। जाओ कमरे में। ये क्या है? ये क्या चक्कर है? जब वो आराम से जा रही थी तो उसके सामने हाथ जोड़ने की क्या जरूरत थी? हमारे सामने तो कभी हाथ नहीं जोड़े और बीवी की गुलामी कर रहे हो तुम। भाई ये हम मियां बीवी का मामला है, आप इसमें मत पड़े आप प्लीज। देख लिया अपनी औलाद को, तुम्हारी औलाद क्या कह के गई है? बीवी के सामने हाथ जोड़ रहा है, ये है आजकल की बगैरत औलाद। इनकी जुबानें सिर्फ माँ बाप के सामने चलती है और बीवी के सामने चुप, हाथ जोड़े हैं। मियां बीवी का मामला है। रमशा अफ़नान बैठे ना। आप हाँ सॉरी, आपको मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं, इससे ये बात जाहिर होती है कि मैं आपके लिए बिल्कुल भी अहम नहीं हूँ। अच्छा मेरी तरफ देखो। अरे देखिए मेरी तरफ। जी अगर तुम मेरे लिए अहम ना होती तो आज मैं यहां ना होता। अच्छा अच्छा बस करें। अच्छा ये देखिए आज की वीडियोस। सुनो ये चूड़ियां तुमने कहां से ली? बहुत अच्छी है। चूड़ियां तो कांच की हैं। हाँ कांच की हैं तो क्या हुआ, अच्छी तो लग रही है। बड़ी बात है, कांच की चूड़ियां किसको पसंद होती हैं? आपको पसंद है वैसे? मुझे लड़कियों की कलाइयों में चूड़ियां बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन तुम्हारे हाथों में ना बहुत खास लगती है। थैंक यू, अब से मैं फिर रोजाना चूड़ियां पहना करूंगी। धोखा मुझे यार से मिला, ये इश्क मोहब्बत के चक्कर में नहीं, तर्स खा कर आया था मैं। तर्स खा कर तुम्हारी मदद करने आ गया था ताकि अपनी बची कुछ इज्जत लेकर वापस अपने घर चली जाऊं, लेकिन नहीं जानता था कि तुम उल्टा मेरे सर पर अजाब बनकर नाजिल हो जाओ। हाँ एक आखिरी बात, अभी भी खुदा का शुक्र अदा करो कि मैं था और मेरी तरबियत बहुत अच्छी है। मेरी जगह कोई और लड़का होता ना
तो तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकाल चुका होता। आपको सच में मुझसे मोहब्बत? अरे यार, सच में, झूठ में, किसी भी दुनिया में मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है रमशा, नहीं है तुमसे मोहब्बत। तुम इस बात को समझ क्यों नहीं रही हो? सांस का धागा जैसे टूट रहा है। आपकी नजर में खुलूस, प्यार, रिश्ते, ये सब कुछ कोई मायने नहीं रखते? ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है अफनान? मेरे साथ भी तो यही किया था ना आपने, मेरा भी तो स्टेटस देखा था आपने, मेरी मोहब्बत, मेरा खुलूस, सबको आपने स्टेटस से तोला था ना। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, जिस पर मैं आज भी पछताता हूँ। खुदा के लिए अपना ये गलतियां करना बंद कर दे, जो गलतियां आप करते और भुगतनी मुझे पड़ जाए। तुम ये सच कह रही हो? तुम्हारी तरह मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था, मैं भी हैरान थी। भाई ऐसे तो नहीं थे, ये वसीम की वजह से भूत सवार हो गया दुबई जाने का, वरना वो ऐसे नहीं थे। बहुत घटिया हरकत की है। तुम बहुत देखो ना, शानी की इस हरकत की वजह से मैं अफनान से नजरें भी नहीं मिला सकती। मुझे तो ये बात पता भी नहीं लगती अगर मैं ना सुनती, क्योंकि अफनान ने तो मुझे बताना ही नहीं था। गुस्सा तो मुझे अफनान पे भी बहुत है। उसे शानी को पैसे ही नहीं देने चाहिए, सारी रकम कौन देते? अफनान तो बहुत अच्छा इंसान है, जो भैया को तुम्हारी केयर करनी चाहिए वो अफनान करता है। मैं ठीक कह रही हूँ, अफनान तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है। इतना तो कोई सगा नहीं करता। लेकिन जो भी है, भैया ने बहुत घटिया हरकत की है, पैसे नहीं लेने चाहिए थे। हमारे पेट में कोई बात नहीं रहती ना। तुम्हें मना किया था कि किसी को ना बताओ, समझ नहीं आती तुम्हें? शर्म आनी चाहिए ना भैया आपको। हार जाने के चक्कर में आपका इतना दिमाग खराब हो गया कि अपनी इज्जत, हैरत, किसी चीज का कुछ ख्याल नहीं रहा आपको। आज बीवी के पैसे ले लिए, कल तो बहन की कीमत लगा। ओ शानी, क्या बदतमीजी है, बहन पे हाथ उठाया तुमने, कहां से सीख लिया ये तुमने? अरे ऐसा क्या कर दिया था उसने, क्या नौबत आ गई थी कि थप्पड़ मारना पड़ा? तुम बताओ रमशा क्या हुआ था?